निर्भया केस में दोषी मुकेश की अर्जी पर सुनवाई शुरू। दोषी मुकेश की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। डेथ वारंट पर रोक लगाने की दोषी की मांग पर यह सुनवाई। तो मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है। कल कोर्ट से खारिज हुई थी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन। उसके बाद फांसी का जो रास्ता था वो साफ लग रहा था और अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है। तो निर्भया केस में दोषी मुकेश की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोषी मुकेश की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू। क्या कुछ दलीलें यहां पर रखी जाएंगी अपने बचाव में, क्योंकि लगातार हर पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश में ये दोषी लगे हुए हैं अपने बचाव में। कोई अपने परिवार का हवाला दे रहा है तो कोई अपने बचाव में इस तरह से मांग कर रहा है कि सुनवाई होनी चाहिए। और अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई जो है निर्भया केस को लेकर हो रही है। मुकेश की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। दलीलें यहां पर क्या कुछ मुकेश का पक्ष रख रहे वकील की तरफ से क्या कुछ रखी जाती हैं इसके बचाव में, क्योंकि 22 जनवरी को दोषियों को फांसी की सजा दी जानी है। 22 तारीख मुकर्रर हुई है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ पैतरे यहां पर अपनाए जा रहे अपने बचाव को लेकर, हर एक मुमकिन कोशिश यहां पर की जा रही है। और इससे पहले आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटिशन जो लगाई गई थी दो दोषियों की तरफ से वो खारिज हो गई थी और आज मुकेश की तरफ से डेथ वारंट पर रोक लगाने की दोषी की मांग पर सुनवाई हो रही है। तो मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये पिटिशन यहां पर लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई अब फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। तमाम पक्ष अपना यहां पर वकील जो है अपना पक्ष अपनी दलीलें रखते हुए नजर आएंगे। और उसी के मद्देनजर, क्योंकि इस केस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि 7 साल एक लंबा इंतजार पूरे देश को यहां करना पड़ा था और अब अपने अंतिम दौर में ये पूरा केस चल रहा है। और इसी बीच और साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पहले क्यूरेटिव पिटिशन जो है दो दोषियों की खारिज हुई और अब दिल्ली हाईकोर्ट में मुकेश की डेथ वारंट पर रोक लगाने वाली मांग पर सुनवाई चल रही है, ताजा अपडेट सुनवाई को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आरोपियों के पास जो भी विकल्प मौजूद है सारे यूज किए जा रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट का डिसीजन था जो 22 तारीख को 7 बजे फांसी होनी है और अब जो है हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है जिसमें कि सजा पे रोक लगाने की मांग की गई है। तो जाहिर तौर पर अब से कुछ देर बाद जो है सुनवाई स्टार्ट होगी और उसके बाद वकील अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि मामले में कुछ खास दिखता नहीं है, चाहे वो दया याचिका की बात करें, क्यूरेटिव पिटिशन की बात करें, सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत इनकी सुनवाई हो चुकी है, तो जाहिर तौर पे उम्मीद की जाती है कि हाई कोर्ट भी से लेके न सिर्फ सुनवाई करेगा बल्कि जल्द डिसीजन भी देगा। और बिल्कुल, और अमित, इस केस पर सभी की निगाहें टिकी है क्योंकि 7 साल एक लंबा इंतजार पूरे देश को, पीड़िता के जो परिवार को, यहाँ पर निर्भया के माँ बाप को करना पड़ा एक लंबी लड़ाई और कहीं ना कहीं एक सुकून यहाँ पर रहा, लेकिन जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है अपने बचाव की, हर एक पैतरे इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त दोषी कि कैसे भी इस मामले को टाला जा सके। जी बिल्कुल, देखिए 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा है, जबकि सबसे बड़ी बात कि निर्भया के आरोप केस को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बावजूद 7 साल से ज्यादा वक्त डिसीजन में लग जाए तो इससे ज्यादा लचर कानून व्यवस्था का उदाहरण और नहीं हो सकता। और यही चीजें जो है वो लगातार निर्भया की मां अपने वकील के थ्रू ना सिर्फ पटियाला हाउस में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन चीजों को रखा और अब जब हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। और जैसा कि मैं बता रहा था, चूंकि क्यूरेटिव पिटिशन भी की याचिका भी खारिज हो चुकी है, दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर अब जो है मामले की जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट से लेके क्या कुछ डिसीजन देता है ये देखना होगा। लेकिन खास तौर पे दोषियों के पास कोई बड़ा विकल्प है नहीं, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई और इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था, तो उम्मीद है जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की चीजें हाई कोर्ट के संज्ञान में होंगी। और लेकिन देखना है कि दोषियों के वकील इसे लेके क्या कुछ अपना पक्ष रखते हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, सुनवाई को लेकर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है।